अस्सलामुअलैकुम। तो मैं जा रही हूँ क्वेटा और मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे साथ रहिए, आप लोगों को बहुत खूबसूरत सफ़र दिखाना है, बहुत खूबसूरत जगह दिखानी है। तो फ़िलहाल मेरी पैकिंग ही स्टार्ट हो रही है, चलिए देखते हैं। तो मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मेरा एक मिनी वॉलेट एलवी का जो है, मेरा बहुत फेवरेट, ये मैं रखती हूँ अपने पास। फिर मेरा जो है प्राइमर एक प्रिटी का, जो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, जो मेरे बैग में हर वक्त रहता है। एक मेरा परफ्यूम सॉफ्ट का, और इसके अलावा जो है एक और परफ्यूम, क्योंकि मैं एक परफ्यूम पर्सन हूँ। और ये एक और परफ्यूम है जे डॉट का, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये भी मेरे बैग में रहता है ज़रूर, तो मैं इसको भी अपने बैग में रखती हूँ। और ये भी मैंने बैग में रख दिया। इसके अलावा एक पेन, जो लाजमी आपके बैग में होना चाहिए, कहीं भी आपको चाहिए होता है। एक सनब्लॉक मेरा 60+, जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, आप लोग को भी कर सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक टार्ट शेप टेप है, अगर मतलब कभी कभी आपको चाहिए होता है स्किन फ्रेश करने के लिए, जो भी आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं इसको अपना मेकअप फ्रेश करने के लिए या जो भी। तो ये वो बेसिक चीज़ है जो ज़रूर मेरे बैग में रहती है। और इसके अलावा एक लिप ग्लॉस हल्का सा पिंक शेड में। और अब मेरे सनग्लासेस, शिनेल के सनग्लासेस है ये, और ये मेरे फेवरेट सनग्लासेस है, इसलिए ये मैं अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ। और इसके अलावा जो है, थोड़ा सा मेरा कैमरा जूम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये ग्लासेस सामने है आपके। इसके अलावा ये है कि सनग्लासेस हमें सफ़र में चाहिए होती है, ट्रैवलिंग में ज़रूर, तो इसको भी रख देती हूँ मैं अपने बैग में। और एक और लास्ट जो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चार्जर, जिसके अलावा कहीं भी जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो चार्जर मस्ट मेरे बैग में रहता है। तो ये मेरी बैग में चीज़ें थी जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ ट्रैवलिंग के दौरान। तो मेरा बैग सेट हो गया, रेडी हो गया। और हाँ, एक छोटा सा मिरर ज़रूर मेरे बैग में होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर लिप ग्लॉस कुछ लगाना भी है तो मिरर ज़रूर होना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा मिरर हो गया। इसके अलावा अब मेकअप पाउच है एक, इसमें मैंने कॉटन जो वाइप्स है जिसे आप फेस साफ कर सकते हैं, तो वो मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास एक शावर जेल है जो मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पास। ये मैंने USA से मंगवाया था, और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इसकी स्मेल और इसका जो सब कुछ है, ये बहुत परफेक्ट है। ये आप लोग अगर बेस्ट शावर जेल लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। इसके अलावा एक मेरा मैबेलिन का फाउंडेशन, जो मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, कंसीलर फाउंडेशन। और मैक का ब्लश ऑन, मैक तो है भी बहुत अच्छा। इसके अलावा ये मेरा एक स्किन करेक्टर पैलेट है, जो मैंने ये भी पेरिस से लिया था। बॉब का मस्कारा बहुत बेस्ट है, ये भी रहता है। और मिस रोज़ के प्रोफेशनल जो मैट लिप ग्लॉसेज हैं, वॉल्यूम ग्लैमर का मस्कारा बहुत अच्छा है। फ्योरा का ये फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और न्यूड का हुदा ब्यूटी पैलेट, आई शेड पैलेट। इसके बाद ये क्लेजॉन ब्यूटी लिप ग्लॉसेज मैट, कुछ और लिप ग्लॉसेज, आई लाइनर्स और आईब्रो पेंसिल्स, ये हो गए। इसके बाद जो है नेल पेंट्स हो गए, और हुदा ब्यूटी का जो मैट लिप शेड है मेरा फेवरेट, ब्रशेस हो गए। इसके अलावा कुछ और नेल पेंट और एक टूटा हुआ ब्रश, लेकिन मेरा फेवरेट। और नेक का जो है आई शीट्स है कुछ, और वाइट मिस रोज पेंसिल, HB की लिपस्टिक जो मेरी बहुत सुपर फेवरेट है, और एक स्पंज। इसके अलावा ये एक पैलेट भी है जो मेरा फेवरेट है, और एक हाइलाइटर और कुछ और नेल पेंट्स। इसके अलावा जो है एक मेरा ये गोट मिल्क का प्राइमर, अगर ये आपको चाहिए तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाटा, ये मेरा बैग रेडी हो गया। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, निकलने की तैयारी है, तो जारी बात है हम जो है एक नाश्ता करें। तो मैंने नाश्ते में जो है एक नवाला लिया, और उसके बाद एक मैंगो शेक आधा ग्लास दिया, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के दौरान ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं निकली हूँ 8:30 बजे, और हम लोग रवाना हो गए हैं।
तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो फुल देखिएगा। पूरे 8:30 बजे हैं और आपको आगे आगे बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखाने हैं कि हम लोग मियांवाली, दियाई खान, चश्मा बराज और बहुत सी जगहों से गुजरे हैं और वज़ीरिस्तान, तो वो आपको दिखाएँगे। चले रेडी, हम अपने जो सफ़र है उसको हमने कंटिन्यू किया। तो हम मोटरवे में आ गए हैं और यहाँ से हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया क्वेटा की तरफ। और आज काफ़ी धूप भी है लेकिन कुछ कोई मसला नहीं है, हम आगे आगे जाएंगे तो मौसम अच्छा हो जाएगा। तो अब हम निकलते हैं यहाँ एम टैग निकल क्वेटा की तरफ। ये सफ़र बाय रोड तो बहुत लंबा है लेकिन मुझे था कि नहीं, मैंने व्लॉग भी बनाना है और हम डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर भी कर लेंगे अगर हम बाय रोड जा रहे हैं। वैसे तो हम बाय एयर ही जाते हैं लेकिन इस बार बाय रोड चूज़ किया, तो लेट्स सी इंशाल्लाह, देखते हैं। अब हम जो है बलकसार मोटरवे में, हम लोग मोटरवे पे आ गए हैं क्योंकि क्वेटा की तरफ ही जाएगा। पहले हम केपीके से निकल के पंजाब जाएंगे, फिर पंजाब से निकल के फिर केपीके, तो ऐसे हमारा फुल कवर हो जाएगा। तो अब हम तलागंग चकवाल की साइड पे जा रहे हैं और यहाँ से हमारे जो पहाड़ हैं वो नज़र आने भी शुरू हो गए हैं और काफ़ी ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं लेकिन बहुत डरावने भी लग रहे हैं क्योंकि बहुत काफ़ी खुश्क सा है। लेकिन ये है कि यही तो खूबसूरती है कि कहीं जगह पे ग्रीनरी है और कहीं जगह पे जो है डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जो है तकरीबन बलकसार मोटरवे पे हम लोग हैं और तकरीबन जो है कितना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं और थोड़ा सा खाना भी हो जाना चाहिए। हम तो हमने सोचा चलो कोई जूस या विंग्स वगैरह लेके हल्का फुल्का करके जो भी हुआ वो खा लें, तो अगर आप लोगों ने खाना है आप भी खा सकते हैं। तो टाइम जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बज रहे हैं 3:05 और साथ में टाइम इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और हमारा जो रास्ता है वो कंटिन्यू तलागंग चकवाल, तो लेट्स सी आगे आप लोगों को जो है बहुत से खूबसूरत व्यू दिखाने। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारे कितने घंटे हो गए हैं, तो पूरे 7 घंटे हो गए हैं हमारे और 7 घंटे गुजर के अच्छे गुजरे हैं फिलहाल तो, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब हम जो है डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं और मियांवाली की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी इसके बाद मियांवाली की तो गर्मी बहुत सुनी थी लेकिन अब फील भी हो रहे हैं कि हाँ फाइनली यहाँ पर गर्मी भी है। और हम जो है अब चश्मा बैराज पे हैं, चश्मा बैराज ये काफ़ी फैला हुआ है और इसमें जो है यहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही थी, हब सी थी वैसे, गर्मी सी थी। तो वैसे जो जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर फील होता है कि ऐसी सर्दी सी है और अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो गर्मी सी हब सी थी, आई डोंट नो वाई। लेकिन ये है कि चश्मा बैराज जिसको बोलते हैं और ये काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है और काफ़ी लंबी रोड थी ये, लेकिन ये था कि व्यू इनका काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर व्यूज़ जो है। तो हम चश्मा बैराज में थोड़े आगे आ गए हैं और यहाँ पर जो है पुल सा है और यहाँ पर ये पानी जो था ये फुल रेत से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ था, मतलब ऐसे मिट्टी सा लग रहा था इस साइड पे जो पानी था, ऐसा लग रहा था कि पानी कम और मिट्टी ज़्यादा है इसमें। आप देख सकते हैं उसका कलर भी बिल्कुल ब्राउन है इस पानी का, जो चश्मा बैराज पीछे हमने छोड़ा वो ब्लू था, वो साफ पानी था लेकिन इसमें मिट्टी साथ में बहुत ज़्यादा थी। तो ये आप देख सकते हैं और इसका बहाव भी बहुत काफ़ी तेज़ है। तो अब हम वज़ीरिस्तान पहुंच गए और वज़ीरिस्तान पहुंचे ही और वैसे ही सारा माहौल जो है वो स्टार्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ और वैसे ही उनकी जो गाड़ियां और ट्रक्स और वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली अभी आगे आप लोगों को
इस जगह के जो लोग हैं ट्रेडिशनल, उनके जो बच्चे और उनके गांव में, उनकी वीडियोस इंशाल्लाह आगे आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरा ब्लॉग फुल देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से भी मतलब ग्रीनरी ख़त्म हो रही है पहाड़ों में से, और खुश्क एरिया ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जा रहे हैं क्वेटा की तरफ और ये साइड ज़्यादा खुश्क ही है। और अब जैसे यहाँ पर ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यहाँ पर बहुत हम लोग मुश्किलों से डस्ट डस करके निकले हैं यहाँ से, क्योंकि रोड भी ठीक नहीं था और बहुत मुश्किल से जो है ना ये रास्ता ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ख़राब था और एक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन यहाँ के पहाड़ आप देख सकते हो बिल्कुल सुर्ख रंग में थे और फुल ये जगह इस रोड पे मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग थे भी नहीं, बहुत कम लोग आते जा रहे थे यहाँ पर। देखिए आप, ना ट्रैफिक है ना कुछ। और वज़ीरिस्तान में हम एक थोड़े छोटे से गांव साइड पर आ गए, यहाँ पर कुछ छोटे से बच्चे जा रहे हैं और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, इसलिए मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगी कि इस बच्चे ने मेरे कैमरे की तरफ हाई किया था, क्योंकि इसको पता चला कि मैं इसकी तरफ कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत एक मोमेंट था मेरे लिए। तो काफ़ी क्यूट बच्चे हैं यहाँ पर, एक टिपिकल जैसे गांव वाले होते हैं। अब 5:30 हो गए हैं और पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं। अब थोड़ा सा सफ़र लग रहा है कि वाकई में ये सफ़र तो काफ़ी लंबा है, और एक जैसे रोड है, खुश्की है, खुश्क इलाके हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारी तरफ जो एरिया है वो ग्रीनरी है और यहाँ पर वो सब कुछ चेंज है। आपको ये पहाड़ और ये व्यू जो है ये एक नई चीज़ लग रही है और काफ़ी खूबसूरत भी ये व्यू लगता है। लेकिन यह है कि बाय रोड में ये सच में लंबा पड़ जाता है काफ़ी। लेकिन लेट्स सी आगे जो व्यू आपको देखेंगे तो फिर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। जैसे ही मैंने सुना था कि जितने जितने आगे आप लोग जाओगे ग्रीनरी ख़त्म होती जाएगी और पहाड़ आते जाएंगे, तो वैसे ही है, बिल्कुल ग्रीनरी ख़त्म होती जाती है और पहाड़ इलाके ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और अब हम लोग जो है हाइट पे जा रहे हैं मुसलसल, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत था और ये मेरा फेवरेट व्यू है यहाँ पर। अब हम आगे गए तो यहाँ पर जो है कुछ जगह पे काम हो रहा था, ड्रिलिंग, जिसकी वजह से हम मज़ीद 1 घंटा रुके और हमें पता नहीं था कि यहाँ पर रुकना भी था होगा बीच में, लेकिन ये था कि वो काम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। और यहाँ पर देख सकते हैं अब सारा जो ट्रैफिक है वो जैम है, क्योंकि जो आगे उन्होंने कटिंग वगैरह की थी वो सारे पत्थर नीचे आ गए थे। हम स्टॉप हो गए यहाँ पर और कुछ 1 घंटे के लिए मज़ीद हम जो है वेट करते रहे। मैंने इनकी वीडियो थोड़ी जूम करके इसलिए दिखाई कि ये वज़ीरिस्तान के लोग हैं और इनका बिल्कुल पता चल रहा है कि ये वज़ीरिस्तान के लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इमेजिनेशन में बनाया होता है उनको कि वज़ीरिस्तान के लोग ऐसे दाढ़ियाँ और ऐसे टाइप उनका हो लिया होता है, तो सच में ही ये वैसे ही लोग हैं। लेकिन यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। और जब हम लोग इसके बीच में आ रहे थे तो जैसे लग रहा था ये सारे पहाड़ ही पहाड़ ऊपर गिर जाएंगे, डर भी लग रहा होता है बीच में, लेकिन यह है कि मज़ा भी काफ़ी आता है, एक नई चीज़ें बंदा एक्सप्लोर कर लेता है। अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि बाय रोड जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली जाना चाहिए, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थोड़ी सी थकावट होगी आपको, लेकिन जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है बाय रोड इतना लंबा सफ़र करना, लेकिन मुझे इस चीज़ पर कोई वो पछतावा नहीं है कि मैंने क्यों किया। तो ये है कि आप लोगों को जाना चाहिए ज़रूर और एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि मैंने मियाँ वाली, डियाई खान और चकवाल और इसके अलावा जो है वज़ीरिस्तान, इन सब जगहों को क्रॉस किया, तो अच्छी अच्छी व्यूज़ देखने को भी मिल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है उसको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल जाता है। तो अब जो है 7:30 हो गए और हम ज़ूक पहुंच चुके हैं। तो ज़ूक में हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा स्टे कर लेना चाहिए, क्योंकि
मज़ीद पता नहीं 8 कि 9 घंटे हो गए हमें सफ़र करते, बल्कि 10 हो गए मेरे ख्याल से। तो हम एक यहाँ पर एक मेस में आए गए और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा जूस पी लिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है 10 घंटे के बाद थोड़ा सा स्टे तो बनता है, लेकिन यह है कि काफ़ी रिलैक्स पर हो जाता है बंदा। ऐसे लोग 2-2, 3-3 घंटे बीच में रुक जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि ज़्यादा रुकते नहीं ताकि हम टाइम पर पहुँच जाएँ। और ये कुछ हो गया, जूस शूस पी लिया और अब दोबारा निकलते हैं अपने सफ़र पे। तो अब हम वैसे दोबारा निकलने लगते हैं और अंधेरा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन 7:30 हम रुके थे यहाँ पर और अब जो है 8:30 तक बज रहे हैं, 8:30 और हम अब अंधेरा है। बाकी का सफ़र जो है इसके बाद जो ये रास्ता है तो ये 4 घंटे का है। और अब तो 5-6 घंटे का रास्ता है बल्कि, तो फाइनली हम क्वेटा पहुंच गए हैं और तकरीबन 17 घंटे का रास्ता है ये। और ये जैसे व्लॉग में छोटा लग रहा है लेकिन रियल में नहीं है, बहुत बड़ा सफ़र है। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, फाइनली अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। और अब जो है घर आ गए हैं, जिससे सब सोए हुए हैं, सब तो नहीं, मेरी सिस्टर सोई हुई है, मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई हुई हूँ। तो अब मुझे भी बहुत नींद आई हुई है, रात के 2 बज रहे हैं, तो हम पहुँचे हैं 2 बजे और अब हम भी आराम कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और गुड मॉर्निंग। अब ये मेरा सबसे पहली सुबह है क्वेटा में और बाहर जो है ये व्यू है, मेरे रूम से बाहर जो व्यू है काफ़ी अच्छा जो है। मौसम भी यहाँ का है इतना, वो गर्मी नहीं है, सिर्फ पंखा लगा लो तो आपका गुजारा हो रहा है। तो ये मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि हम जो है फ़ैन ऑन करें या एसी, हालांकि यहाँ पर जो है। तो अब मैंने जो है नींबू पानी पी रही हूँ, जो मेरा सुबह की रूटीन में है, गर्म पानी में नींबू और शहद डालना। तो ये मैंने, मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे ला के दिया कि आप ये पी लें और उसके बाद जो है उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले मिलती हूँ अपनी नींद से, जो अभी अभी उठी है और अभी नींद में है, मेरी जो बनी है और ये अभी नींद में है, तो इसलिए जो है। और अब वो मेरे साथ खेल रही है क्योंकि उसको पता चल गया कि जो मेरी खाला आई हुई है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आप बाय रोड क्वेटा जाना चाहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। हाँ, एंड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना मुश्किल नहीं होता। तो अब आप लोग, अल्लाह हाफिज़।